हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में टू पार्ट है ए एंड बी। इसमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसमें है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इन सब का फाइंड आउट करना है, प्लस करके बताना है कि कितना आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, अब आपने क्या देखा कि ये जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पे वन एंगल वन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस वन नहीं एन एन फाइंड करो, तो एंगल वन प्लस एंगल n प्लस 30 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही सर था कि जब भी कोई तीनों का प्लस 180 के बराबर होता है तो एंगल एन प्लस 120 इक्वल्स टू 180, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर दिया यहां पे। एंगल एन इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि दो का प्लस 180 के बराबर होता है, तो एक हो जाएगा जेड प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो इसलिए जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150। यह आ गया। सेकेंड, एक्स प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, और यहां पर 150 डिग्री। उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा कि 60 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री हो गया। तो फिर अब यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो x की जगह पर क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू x की जगह पर हमारा 90 है, 90 150 प्लस 120। y की जगह पर क्या 90 150 है, ठीक है, और 120 150। अब इन सबको प्लस करो जीरो, और ये कितना हो जाएगा 7 और 7 और 9 360 आंसर होगा पहले का, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी फाइंड आउट करना है। तो बी का भी ऐसे ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को हम एन लेट कर लेंगे, ठीक है। तो 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस एन इक्वल्स टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 है ना, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है। सबसे पहले हम एन निकालेंगे, तभी लीनियर पेयर से बाहर से भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। लेकिन इसमें क्या था, दोनों तरफ कुछ भी नहीं था, इसलिए हमें ये प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ा। अगर मैं भी यहाँ पे कुछ होता तब हमें करने की जरूरत नहीं होती। इसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी ये नहीं था, इसलिए हमें पहले इंटीरियर जो एंगल है उसे फाइंड आउट किया, फिर एक्सटीरियर एंगल लाया। तो अब यहाँ पे क्या है, अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो 60, 80 और 120 कितना हो गया 0 और 2 10 16, ये हो गया 0 और 2
टेन सिक्सटीन और वन टू सिक्सटीन प्लस एन इक्वल्स टू थ्री सिक्सटीन, यही आएगा टू सिक्सटी, ये हो गया टू हंड्रेड टू सिक्सटी, ठीक है। अब एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर थ्री सिक्सटी माइनस टू सिक्सटी इक्वल्स टू हंड्रेड, हंड्रेड डिग्री आ गया इसका, इसका आ गया हंड्रेड डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहां पे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा, फाइंड आउट करने जाएंगे वाई प्लस एट, वाई प्लस एटी इक्वल्स टू वन एटी, तो देयर फोर सो वाई इक्वल्स टू वन एटी माइनस एटी इक्वल्स टू हंड्रेड। दूसरा 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, सो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। थर्ड है कि जेड प्लस 60 इक्वल्स टू 180, सो जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 100 प्लस W इक्वल्स टू 180, तो W इक्वल्स टू 180, सो W इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 180। तो ये अलग अलग तरीके से फाइंड हुआ, Y इक्वल्स टू 100, X इक्वल्स टू 60, Z इक्वल्स टू 120 और W इक्वल्स टू 180। अब ये सब वैल्यूज कहां रखेंगे, यहां पे। X की क्या वैल्यू आई थी, X की वैल्यू आई है 60, Y की वैल्यू 100, उसके बाद Z की वैल्यू 120 और इसकी वैल्यू जो है वो 180। अब हम इन सबको प्लस करने जा रहे हैं, 0 0 तो यहां पे आ गया 0, 8 टू 10, 10 और 6 16, 6 1, 1 1 2 3 4, तो ये हो गया 460 डिग्री, ठीक है। इसको आप प्लस कर लेना 0 0 0 और यहां पे 8 टू 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, 10 और 16 का 6 और 1 कैरी हो गया, 1 2 3 और 8 4, 460 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई किसी भी को भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट द्वारा आप मेरे पास भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास है मेरा उस पर भी आप मैं पर्सनली आप नंबर या क्वेश्चन लिखकर आप डाल सकते हो, तो फिर दोबारा आपको वीडियोज आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।